वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों जब अपनी कंपनी की GSTR 3B रिटर्न को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको अपने GST पोर्टल पर फाइनली अपलोड करने से पहले एक बार GST पोर्टल पर जाके GSTR 2B के साथ जितना ITC हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो हो रहा है, क्या उतना ITC GSTR 2B के अंदर भी शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस डाटा को अपने जरूर रिकनसाइल करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करी है तो वहाँ पर हमारा GST का ITC ज़्यादा शो होता है, 2B के अंदर शो कम होता है। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि हमारे कुछ जो सप्लायर होते हैं वो GSTR 1 को क्वार्टरली फाइल करते हैं और उनकी जो लाइबिलिटी बनती है IFF फाइल करने की हर मंथ के अंदर, तो वो IFF को भी सही टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन सप्लायर का ITC 2B के अंदर शो नहीं होता, लेकिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो उसकी परचेज वाउचर में एंट्री कर ली तो उसका ITC हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर शो करेगा। लेकिन जब अपने फाइनली GST 3B को अपलोड करते हैं तो हम केवल उन सप्लायर्स का ITC छोड़ देते हैं और जो पोर्टल पर जितना ITC आ रहा है उसी ITC को लेके हम अपने GST 3B को फाइल कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी GST 2B के अंदर कुछ ऐसे इनवॉइस ऐसे भी आ रहे होते हैं जिसका ITC हमें शो होता है 2B के अंदर, जिसके लिए या तो हमारी कंपनी ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं है या गलती से हमारा किसी सप्लायर ने हमारा GST नंबर दे दिया उसकी वजह से भी पोर्टल पर आ सकते हैं, या ऐसा ITC जिसका हमें ITC क्लेम करना ही नहीं है, तो वो ऐसे इनवॉइस भी हमें पोर्टल पर देखने को मिलते हैं। तो लेकिन अभी तक हमारे पास ऑप्शन ये था कि उन ITC जो हमारा 3B के अंदर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है लेकिन 2B के अंदर आ रहा है और उस 2B के अंदर जो हमारा सप्लायर का नाम शो होता है उसका हमारी कंपनी के साथ कोई लेना देना भी नहीं होता है, तो वो ITC भी हमारा क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा रहता है, तो उस लेजर को हम चाह के भी वहाँ से हटा नहीं सकते थे। लेकिन अब जब अपने सितंबर 2024 की जब अपने GSTR 3B रिटर्न को फाइल करेंगे तो अब अपने 2B से मैच करने से पहले अब हमें एक नया फंक्शन देखने को मिलेगा IMS का, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरीके का हमें एक सिस्टम देख फंक्शन हमें देखने को मिलेगा जहां पर अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा हमें भी कौन कौन से ऐसे हमारे सप्लायर हैं जिसका ITC लेने के लिए हम एलिजिबल हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना होगा, कौन कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिसका हमें ITC रिजेक्ट करना होगा, और जो हमारा कुछ ऐसे इनवॉइस भी रहेंगे जो हमें अभी सस्पेंस है उनके ऊपर भी, उसका ITC हम लें या ना लें कन्फ्यूजन है तो उसको हम एक बार पेंडिंग भी छोड़ देंगे। तो ये हमारा नया फंक्शन है जो हमें अक्टूबर महीने में जब अपने सितंबर 2024 की जब GSTR 3B को फाइल करेंगे तो उससे पहले हमारा जो ITC है जितना ITC हमने IMS के अंदर एक्सेप्ट कर लिया उतना ही हमारा 2B के अंदर अब शो होगा, ठीक है। आपने जो रिजेक्ट कर दिया उसका ITC अब आपके 2B के अंदर शो नहीं होगा, लेकिन अभी तक जैसे मान लीजिए अगस्त 2024 के अपनी GSTR 3B को फाइल करी थी तो वो ITC भी हमारा उसी के अंदर आ रहा था जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है या उसका ITC हम लेना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये IMS के थ्रू अब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितना ITC है उतना ITC अब आपका 2B के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो आ रहा है रिजेक्ट को लेके, इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं भी सर जो हम पोर्टल पे जाके जिस इनवॉइस को हमने जो रिजेक्ट करेंगे क्या उस रिजेक्ट किए हुए इनवॉइस को हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी उस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा या AGTs रखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से ऐसे इनवॉइस जो आपको पोर्टल पर तो रिजेक्ट कर देने हैं लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री प्रॉपर सही तरीके से करनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसिंगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने के लिए मेरे पास दो इनवॉइस है, ठीक है। अब इस ये एक इनवॉइस मेरे पास ये भी है, इस इनवॉइस के अंदर भी मेरे को GST लगा हुआ है, ठीक है, और एक इनवॉइस मेरे पास ये भी है इसके अंदर भी मेरे को GST का टैक्स लग गया हुआ है, लेकिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन दोनों इनवॉइस की एंट्री कर रखी है। डे बुक को ओपन करेंगे तो आप देखोगे एक इनवॉइस मेरे पास परचेज वाउचर में मैंने एंट्री करी हुई है और दूसरा जो इनवॉइस है
जिसकी जो वैल्यू आ रही है 3194 रुपए की, इसकी इनवॉइस की एंट्री मैंने जर्नल वाउचर में करके रखी हुई है। तो मैंने दोनों एंट्री परचेज वाउचर में क्यों नहीं करी, ठीक है, इसको अपने समझते हैं। तो सबसे पहले अपने इस इनवॉइस पे चलते हैं। अब ये जो है आप इनवॉइस देख रहे हो स्मार्ट डेमो कंपनी का, अब इस कंपनी से जो भी मैंने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, ये प्रोडक्ट मैंने बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग के पर्पज से परचेज किया हुआ है, यानी कि इस प्रोडक्ट को मैं परचेज करके और आगे सेल करता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, अभी इस प्रोडक्ट का जितना भी मेरे को टैक्स लग गया है इस इनवॉइस के अंदर, उसका ITC लेने के लिए मैं 100% एलिजिबल हूँ, ठीक है। अब ये जो इनवॉइस है, जब ये हमारा सप्लायर है स्मार्ट डेमो कंपनी, जब ये अपनी GSTR1 को फाइल करेंगे सितंबर 2024 की, तो इसका ITC हमें 2B के अंदर मिल जाएगा सितंबर महीने के अंदर ही, ठीक है। तो अब ये जो इनवॉइस है, अब ये इनवॉइस अब मेरे को यहाँ पर भी शो करेगा इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को शो करेगा, पार्टी का नाम आएगा, उस पार्टी का जो लीगल नेम है वो यहाँ पर शो होगा, इनवॉइस नंबर भी आ जाएगा और जो इनवॉइस का टाइप है रेगुलर आ जाएगा। तो इस इनवॉइस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब अपने चलते हैं दूसरे इनवॉइस पे। अब ये भी मेरा एक पास टैक्स इनवॉइस है, ABC मोटर से मैंने इनवॉइस मेरे पास आया है। लेकिन अब ये जो मेरे पास टैक्स इनवॉइस आया हुआ है, ये जो टैक्स इनवॉइस है, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे कोई ट्रेडिंग के पर्पज से मैंने कोई यूज नहीं किया हुआ। ये मेरा मेरे पास बाइक है, चाहे मेरे पास कोई कार है, उसका जो मैंने कंपनी से सर्विस गाड़ी की मेंटेनेंस जो करवाई है, उसका इनवॉइस है। तो इसके अंदर कुछ मेरे पास स्पेयर पार्ट भी होंगे, ठीक है, प्लस मेरे को सर्विस चार्ज भी लगा होगा। तो अब जो सर्विस चार्ज लगा होगा, तो उसका कंपनी ने विद टैक्स मेरे को इनवॉइस दे दिया, और ये मैंने कंपनी के मेरे रजिस्टर्ड बिजनेस के नाम से मैंने इनवॉइस जनरेट करवा लिया। तो जैसे इनवॉइस जनरेट करवाया, मैंने कंपनी को मेरा GST नंबर भी दे दिया। तो अब ये जो कंपनी है, कौन सी, ABC मोटर, अब ये जैसे GSTR1 अपनी फाइल करेगी, तो अब इसका जो ITC है वो भी मेरे 2B के अंदर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो 2B के अंदर शो करेगा, अब इसका ITC, मान लीजिए मेरी कंपनी ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, या मैं इसका ITC लेना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो अब इसका ITC मैं लूंगा नहीं, लेकिन 2B के अंदर मेरा इन दोनों इनवॉइस का ITC मेरे को शो करेगा। तो जिस जिस का ITC मेरे को लेना है, उसकी एंट्री मैंने प्रॉपर कुछ इस तरीके से कर दी परचेज वाउचर में जाके, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इसका जो जितना मेरा टैक्स बन रहा है 900 रुपए का CGST और SGST का, और ये मेरा इस इन यहाँ पर आ रहा है 900 रुपए का, ठीक है। ये तो मैंने ITC बुक कर लिया 3B की रिपोर्ट के अंदर। और ये जो इनवॉइस है, ये मेरा एक्सपेंसेस है, यानी कि ये 3194 रुपये अब मेरी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो मैं इसका ITC नहीं लेना चाहता, तो इसकी एंट्री मैंने प्रॉपर इस जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री कर दी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जैसे मैंने बाइक मैंने कराई, तो बाइक रिपेयरिंग एक्सपेंसिस के नाम से मैंने लेजर क्रिएट कर लिया, अमाउंट मैंने इनवॉइस के टोटल अमाउंट डाल दी, और ABC मोटर्स के अकाउंट के मैंने जमा कर लिए। अब जैसे मैं अगर बुक्स की GST 3B को देखता हूँ, मैं Alt-G शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा GSTR 3B, ठीक है, और मैंने सितंबर मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो सितंबर महीने में सेलेक्ट किया, तो आप इसका भी आप डिटेल देखोगे, तो ये 900 रुपये मेरा ITC आ रहा है, जो कि मैंने परचेज इंट्री करी थी, उसी का ITC मेरे को शो करेगा। लेकिन 2B के अंदर ये मेरा सारा डाटा शो करेगा प्रॉपर, दोनों इनवॉइस मेरे को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो सर्विस वाला इनवॉइस था, जिसका ITC मेरे को नहीं लेना, तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिजेक्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, भी मैंने जितने जितने इनवॉइस यहाँ से एक्सेप्ट किए थे, उतना ITC मेरा यहाँ से चल IMS से निकल के और मेरा GSTR 2B के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक क्या था, यानी कि अभी तक जो हमने अगस्त 2024 तक GSTR 3B फाइल करी थी, उसके अंदर आपके जितने भी इनवॉइस 2B के अंदर शो हो गए, वो सारे के सारे आपके 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाते थे। लेकिन अब जो जो इनवॉइस आप एक्सेप्ट करोगे, उसी का ये ITC आपके 2B में जाएगा, और 2B से आपका 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा। तो अब इससे क्या होगा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो ITC है, और जो हमारा मतलब 2B के अंदर जितना ITC है, वो डाटा ऑलमोस्ट अब मैच होना स्टार्ट हो जाएगा,
लेकिन कन्फ्यूजन यही था भी, हमने पोर्टल से अगर कोई रिजेक्ट कर दिया तो क्या इसकी एंट्री हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से भी डिलीट करनी पड़ेगी क्या? यानी कि जो हमने ये जो जर्नल एंट्री कर रखी है इसको भी डिलीट करेंगे क्या? ये एंट्री आपको बुक्स से डिलीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। बुक्स के अंदर आपने एक्सपेंसेस बुक कर लिया, एंट्री आपने बिल्कुल सही करी है, लेकिन पोर्टल पर आपको रिजेक्ट कर देना है। किस कंडीशन के अंदर? अगर आपको उसका ITC लेना नहीं है तो। अब मान लीजिए हमें बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, इसका ITC हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अपने क्या करेंगे, उसको पेंडिंग के अंदर छोड़ देंगे। यानी कि न तो अपने उसको एक्सेप्ट करेंगे न ही उसको रिजेक्ट करेंगे, तो इसे ये हमारा ऑप्शन है जो पेंडिंग के अंदर शो होता रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा 3B हमने फाइल कर दिया, तो ये फाइल करने के बाद में हमारा जो रिकॉर्ड है ये कुछ इस तरीके से बाद में शो होता रहेगा। अभी आपने जब GST रिटर्न फाइल करी थी तो उसके अंदर आपने नो एक्शन, यानी कि आप जी कोई ऐसे इनवॉइस जिसके ऊपर एक्शन ही आपने नहीं लिया तो वो अच्छे हैं। एक्सेप्ट आपने 4 कर लिए, रिजेक्ट आपने 5 कर लिए और पेंडिंग अभी भी आपके 3 पड़े हुए हैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर आप रिजेक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, पेंडिंग भी नहीं करते, तो जितना ITC आपका उस IMS के अंदर शो होता रहेगा वो सारा का सारा ऑटोमेटिक 2B में चला जाएगा और 2B से ऑटो पॉपुलेट होके 3B के अंदर हमारा ITC कॉलम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपको अच्छी तरीके से केयरफुली अपने GST 3B को फाइल करने से पहले कौन कौन से इनवॉइस जिसको एक्सेप्ट कराना है और कौन कौन से रिजेक्ट करवाना है, और जो रिजेक्ट करवाना है उसको आपको 2 बार जरूर सोच लेना है, ये इनवॉइस हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका ITC हमें क्लेम नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपको इसका रीसेट का भी हमें ऑप्शन इसका मिलने वाला है। ये रीसेट का ऑप्शन हमारे पास कब तक रहेगा? जब हम 3B फाइल कर नहीं देते। मान लीजिए आपने जिस गलती से रिजेक्ट कर दिया और आप उसके लिए एक्सेप्ट आप करना चाहते थे या उसको आप पेंडिंग में रखना चाहते थे, तो आप उसको दोबारा रीसेट भी कर सकते हो। किस कंडीशन में? जब तक आप अपनी GST 3B रिटर्न को प्रॉपर फाइल कर नहीं देते। अगर आपने फाइल कर दिया तो ये जो IMS का डाटा है आपका सितंबर महीने का, वो आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो एक्सेप्ट को तो अपने रिवर्सल जब मर्जी कर सकते हैं, यानी कि रिजेक्ट को जब मर्जी कर देना, लेकिन रिजेक्ट कर दिया उसको एक्सेप्ट करवाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल का काम हो सकता है पोर्टल पे। तो अगर आपको GST 3B को फाइल करने से पहले एक बार अपने IMS के उन प्रॉपर रिकॉर्ड्स को 2 बार जरूर वेरीफाई कर लेना है, ताकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितना ITC है उतना ITC आपका 2B के अंदर चला जाए और 2B से के अंदर आपसे ऑटोमेटिकली 3B के अंदर चला जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन था वो यही था भी, अगर पोर्टल पर कोई रिजेक्ट होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें उस एंट्री को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये फंक्शन हमें कब से मिलने वाला है? 1 अक्टूबर से। ठीक है ना, और 1 अक्टूबर का मतलब हो गया भी इस अक्टूबर मंथ के अंदर अपने सितंबर 2024 की मतलब GST रिटर्न को फाइल करेंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी भी, आप कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो आपको वहां पर शो होंगे और कौन कौन से को आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे फंक्शन हमें रिजेक्ट के भी नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई RCM की एंट्री है तो वो आपको IMS पे नहीं मिलेगी। ठीक है ना, और ये जो फंक्शन हमें जो देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? जो हमारा डैशबोर्ड है GST का, लॉगिन करते जो आएगा, उसके बाद में हमारा जो सर्विस का टैब रहेगा, सर्विस टैब के अंदर हमें रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा और उस रिटर्न के ऑप्शन के अंदर हमें ये IMS मैनेजमेंट का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे ही अपने उस पर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा GST प्रॉपर डिटेल के साथ में। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग के अंदर रखना होगा। जो जो आप एक्सेप्ट कर लिए यहाँ पर आपको डिटेल भी दिखेगा, आपने इसको एक्सेप्ट किया हुआ, जो इसका स्टेटस रहेगा वो भी आपको प्रॉपर शो होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन हो गया, जैसे भी हमारी ये GST 3B हम फाइल करेंगे सितंबर 2024 मंथ की, तो ये 14 तारीख से आपके पास में फंक्शन है जो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 14 अक्टूबर 2024 से। तो हम आपको प्रॉपर लाइव ये रिकॉर्ड वीडियो आपको बना के दिखाएंगे भी, आपको एक्सेप्ट किस तरीके से करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमारा ITC आ रहा है उस ITC को हमें 2B के साथ मैच किस तरीके से करना है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।